तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे रेन सिलेक्शन, मतलब डीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा एंड हाउ कैन सिलेक्ट द डायनेमिक डेटा। तो मैं एक नया एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि जो आप मान लीजिए पिवट लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि डायनेमिक तरीके से कैसे हम किसी रेंज को सिलेक्ट करें। अब एक एरिया डेटा लेते हैं, कॉपी करता हूं, इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हम एक बार प्रीवियस क्लास को भी एक बार कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में। हमने बताया था कि इस एरिया को सिलेक्ट करने का दो तीन तरीके हैं। पहला ये है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं मैनुअल तरीके से रेंज A1 से लेके J16। डॉट सिलेक्ट या फिर फिर कर सकते हैं रेंज A1, J16 जिसका बीबीए कंसेप्ट, जिसको बीबीए कंसेप्ट कहते हैं, डॉट सिलेक्ट। या फिर हम लिख सकते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट से कंट्रोल ए कर देगा। लेकिन इसमें ही दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कि बीच में कहीं ब्लैंक वगैरह है तो दिक्कत हो जाता है, कॉमा लगाएंगे। तो दूसरा तरीका है कि कर्सर को कैसे मूव करें, मतलब ऊपर से नीचे, राइट लेफ्ट, अप, इस तरह से हम कर्सर को कैसे मूव करें। तो यहां लिखेंगे रेंज A1 से लेके डॉट एंड एक्सलेस डाउन, ये क्या करेगा, ये ऊपर से कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्लेस करके नीचे आ जाएगा, सेम इस तरह से नीचे आ गया। इसमें कोड आपके पास है कि रेंज मान लीजिए कि J1 dot and excel to right dot select, राइट वाला सेलेक्ट करेगा, ठीक क्या करेगा, यहां से राइट हो जाएगा, यहां से राइट। फिर रेंज A12 dot and excel to left डॉट, ठीक है। फिर यहां पे एक्सेल A16 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, लेफ्ट राइट अप डाउन करता है। अब मान लीजिए कि मुझे ऊपर से नीचे आना है, राइट सर, तो आप बोलेंगे ऊपर से नीचे आने के लिए इस वाले कोड को और यूज करेंगे। लेकिन इसकी छोटी सी प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी कि बीच में अगर डिलीट हुआ तो, ब्लैंक हुआ तो ये ऊपर ही रह जाएगा ना सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिखेंगे रेंज A 65,000 या 10,00,000 डॉट एम एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा, ये जाएगा A 65,000 या 10,00,000 जो भी देते हैं, यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करेगा और ऊपर आ जाएगा। सबसे लास्ट में आगे क्या बोला, जो भी उसको लास्ट में मिला उसके वहां तक आ जाएगा। जी हाँ,
देखिए मुझे जाना है डिफ्लेक्शन रेंज ए वन कॉमा रेंज ए वन से, ए वन से नहीं मतलब कि ए 65 को देता हूँ ना सर, मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैसे? क्या हुआ सर, लेट आया? हाँ सर थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया सर। यहाँ पे हमने दो कोड को मर्ज किया, जैसे कि एक कंसेप्ट यहाँ कहता है कि स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस, ठीक है सर? यहाँ पे हमें स्टार्टिंग एड्रेस तो पता था ए वन, एंडिंग एड्रेस पता नहीं था, तो हमने इस कोड को लिया और इसके साथ यहाँ मर्ज कर दिया, ठीक है? ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं कुछ इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। तो यहां होगा रेंज ए वन से रेंज ए वन डॉट एंड एक्सल टू राइट डॉट सिलेक्ट, फिर रेंज सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल आप डॉट सेलेक्ट, तो दो लाइन लिखेंगे तो क्या करेगा कि यहां से राइट एंड डाउन को प्रेस कर देगा, ओके सर? फिर रेंज, बट प्रॉब्लम यहां पे भी है कि बीच में ब्लैंक हुआ, तो अगर ये ब्लैंक हुआ यहां ब्लैंक हुआ तो सिलेक्शन क्या करेगा कि इतना ही कर देगा। तो यहां हम यूज करेंगे रेंज, सर यहां पे दो वेरिएबल यहां पे देखना होगा, आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट रो, देन सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सलेस टू लेफ्ट डॉट कॉलम। ये क्या करेगा कि पहला जो आर वाला है तो ए 65,000 पे जाएगा और कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके ऊपर आएगा, आगे सर इसकी जो रो नंबर है वो 6 ये आपका आर पे स्टोर कर देगा, और सेम ए सबसे लास्ट वाले कॉलम एक्स एफ डी वन पे जाएगा और यहां से लेफ्ट एरो प्रेस करके सबसे लास्ट पे आएगा और इसका कॉलम नंबर सी पे स्टोर कर देगा। तो मेरे पास रो नंबर और कॉलम नंबर है और स्टार्टिंग पॉइंट हमें A1 पता है, तो हम सिलेक्ट करेंगे यहां पे कैसे, लिखेंगे रेंज A1 यहां पे सेल्स, क्योंकि हमें नंबर्स में रो एंड कॉलम तो सेल्स लगेगा, R कॉमा C डॉट सिलेक्ट, फुल्ली डायनेमिक हो गया। तो सिलेक्ट करने की इतने सारे तरीके हैं, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सर ये दो बार सिलेक्शन ऊपर वाला देखिए सर, रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन, हाँ ये बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर वाले कोड ने क्या किया कि यहां से इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट? ओके, या
अब मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे कंटिन्यू करना है ना, मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं सिलेक्शन डॉट एंड किया, जो सिलेक्टेड है उसी को नीचे की तरफ करें, ठीक है, इसलिए मैं सिलेक्शन डॉट एंड किया। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे लास्ट ब्लैंक रो कैसे पता चलेगा, मतलब कि मुझे इसकी लास्ट ब्लैंक रो चाहिए। तो ये जो कोड हमारा है एक्सेल एक्स, ये जो कोड आपको दिख रहा है, एक कोड क्या कर रहा है, हमें लास्ट डेटा पे ले जाता है, मुझे इसके नीचे जो ब्लैंक है उस पे आना है। क्या करेंगे इसके लिए सर? प्लस वन कर दो, इसके लिए ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे, वन रो जीरो कॉलम, जितना कॉलम जितना रो आगे पीछे करना है यहाँ लिख सकते हैं आप। ये क्या करेगा, ऊपर आएगा और एक रो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रो में वन दिया है। अगर मैं यहाँ कॉलम पे भी वन कर दूं तो एक रो नीचे आएगा, एक कॉलम आगे जाएगा, माइनस में करोगे तो पीछे ऊपर जाएगा और प्लस में करोगे तो आगे और नीचे की तरफ आएगा। तो आप सर समझ में आ गया? ये सर माइनस का क्या बोल रहे हैं सर, माइनस करेंगे तो जो आपने यहाँ पे मान लीजिए ना कि मैंने माइनस रो में कर दिया माइनस फाइव कर दिया ना सर, ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया और यहाँ पे एक दो तीन चार ओके ओके ऊपर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है उल्टा जा रहा है, ठीक है राइट ओके। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है उससे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो देखना पड़ेगा सर। फॉर्म अगला जो क्लास हम जब बात करने जा रहे हैं फॉर्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक वीडियो लिंक मैंने आपको भेजा है उसको देख लीजिए। तो डायनेमिक सिलेक्शन आ गया आपको, किसी को डाउट इसमें? हेलो रवि जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाए? सब भी ठीक है।